जय गंगा मैया जी, गंगा मैया जी, हर हो हर हो महादेव महादेव शंभो शंभो कैलाश कैलाश कैलाश। मित्रों, आज की वीडियो में आप काफी कुछ देखने वाले हैं। मुखवा में स्नोफॉल हुआ और वो वीडियो मुझे भेजी श्री हरीश नोटियाल जी ने। गंगोत्री धाम में जो तीर्थ पुरोहित हैं हरीश नोटियाल जी, उनके भी तीर्थ पुरोहित हैं और ये प्रभु की कृपा है कि वो मेरे मित्र भी हैं और उनकी कृपा से वीडियो प्राप्त हुई। बहुत सुंदर, आप देखिएगा। गंगोरी के दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए, आज आपको गंगोरी के दर्शन भी होंगे। मैंने अपनी श्रीमती जी से वहाँ की वीडियो मंगवाई है। गंगा जी किनारे नवरात्रि में कथा का आयोजन होने वाला है, वहाँ पर बांस का बहुत सुंदर एक वो डिज़ाइन बनाया गया, आकृति बनाई गई है, देखिएगा, हवन होगा शायद वहाँ पर, और भी अनेक चीज़ें आपको इसमें देखने को प्राप्त होंगी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा उससे पहले कि मित्रों, आप में से कई भाई बहनों को थोड़ी सी चिंता होती है कि आजकल अपनी वीडियोज़ पर व्यूज़ कमाने लग गए हैं, लाइक कमेंट कमाने लग गए हैं, तो आप भाई बहनों को चिंता होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप भाई बहन मुझे फ़ोन करके ये भी बोलते हैं साथ में कि मैं वीडियो में बोला करूँ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये रटी रटाई बात आपको हर यूट्यूबर से सुनने को प्राप्त होती है, मिलती है। प्रयास मैंने भी एक दो बार किया ऐसा बोलने का, परंतु मुझसे होता नहीं है। और आप भाई बहन जो मेरे लिए चिंतित होते हैं या अपने इस परिवार के लिए चिंतित होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आने वाले कुछ समय में एक बहुत विशेष बदलाव मेरे जीवन में आने की पूरी पूरी संभावना है, बहुत सुंदर बदलाव होने वाला है। देखते हैं, माँ बाबा की कृपा है ही, आप सभी भाई बहनों का प्रेम आशीर्वाद है ही, तो आनंद लीजिए वीडियो का। बीच बीच में मैं वीडियो के बोलता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा क्या है। हर हर गंगे हर गंगे हर हर हरि शंभो शंभो कैलाशपति। जय जय बजरंगबली जी। यो दादी, अगर इसको बजरंगबली जी को कोई महिला हाथ लगा दे ना, काले पड़ जाते हैं, परसों से काले पड़े हुए हैं और कल तो ज्यादा ही हो गए थे, बहुत आज भी काफी ज्यादा थे। और देखो पंडित जी कितनी सेवा कर रहे हैं लगन से। ये आप सिंदूर भी कुछ स्पेशल लेके आते हो प्रभु? स्पेशल सिंदूर कौन सा है, कहाँ से? सरस्वती सिंदूर है। हाँ, और गाय का शुद्ध गाय का देसी घी है। वाह, जय बजरंग। होता है बहुत। और नया चोला लेके आए फिर? बहुत सुंदर है नया चोला ये तो। वाह, थोड़ी देर में बाबा आपको बहुत सुंदर दिखेंगे। जी 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 प्रभु, जय करो वीर बजरंगी, हर हो महादेव शंभो कैलाशपति, जय मेरी मैया जी। बहुत सुंदर, जय संकट मोचन हनुमान जी, जय जय श्री राम जी। जय गंगा मैया जी। मित्रों, यह आप ग्राम मुखवा के बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ग्राम मुखवा के बारे में आपको बता दूं, माँ गंगा जी का शीतकालीन आवास स्थल। सर्दियों में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं तो माँ का ये सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, यहीं पर माँ का शीतकालीन आवास होता है मुखवा ग्राम। और ये हैं मेरे मित्र हरीश, परम आदरणीय, परम प्रिय, और इनकी ही कृपा से ये सुंदर दर्शन हम प्राप्त कर माई विलेज मुखवा। इनकी अनेकों कृपाएं और माँ गंगा की कृपा से इनसे भेंट हुई, मित्रता हुई, और ये कृपाएं चलती रहती हैं। माँ बाबा का प्रेम है, आशीर्वाद है, जो मुझे इतने सुंदर लोगों का प्रेम प्राप्त होता है मुखवा के। अधिकतर लोग मुझे जानते हैं, प्रेम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। माँ राजेश्वरी मंदिर हमारा मंदिर ये बना है और हमारा घर मंदिर के पीछे, और मैं शाम को यहीं रहा। हरी विलेज हमारा पूरा, इसमें लकड़ी के सारे मकान है और ये सुंदर सा यहाँ का व्यू नज़ारा आप देख सकते हैं। ये भारत का अंतिम गांव है, इसके पास ही चाइना लगता है, और ये सुंदर से आगे हमारे यहाँ के पहाड़, सुंदर सा व्यू आप लोग सब देख सकते हैं। हमारा घर जो है ठीक ये वाले घर के बगल में, यहाँ से नहीं दिखता। जय माता दी। वाह, बहुत सुंदर, ये हमारे गांव के पारी तरफ गांव धरारी।
जय मांगेंगे। और हम गंगोत्री की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जय मांगेंगे। और फिर गंगोत्री यहाँ से किस किलोमीटर पर है? ये सुदर्शन जो पीक है उसके बगल में गंगोत्री। हर हर गंगे हर हर महादेव। गंगोरी से मित्रों आप ये गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं इस घर की छत के ऊपर से, और ये सुंदर पहाड़ गंगोत्री की तरफ के बहुत सुंदर दृश्य है। वीडियो कभी कभी धुंधली हो जाती है, कारण है कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी वीडियो बना रही हैं। ये डोडीताल के पहाड़ आप देख रहे हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है। पिछले कई दिन से गंगोरी में बारिश होती है बार बार, और वहाँ बर्फ़ पड़ती है। बहुत सुंदर दृश्य है। काफ़ी दिन हो गए थे हम सभी को वहाँ के दर्शन किए हुए, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साथ या मेरे साथ साथ आप भी दर्शन करें, आपके साथ साथ मैं भी करूं। जय गौरा माता जी, जय जय गौरा मैया जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति। और आशा करता हूं मित्रों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये अपने पौधे, और मैंने पहले भी आपको बताया कि 99.9 यानी कि 9% 99.9% संभावना है कि अगली वीडियो में आपको एक बहुत सुंदर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। है तो वो मेरे जीवन के बारे में, कोई विशेष बदलाव आने वाला है मेरे जीवन के बारे में, परंतु उससे कुछ आपके जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। बदलाव मेरे जीवन में आएगा परंतु प्रभाव आपके जीवन पर भी उससे कुछ पड़ेगा। थोड़ा सा कमेंट में भी आप सोचकर बता सकते हैं कि भाई ऐसा क्या हो सकता है जो मेरा जीवन बदलाव आएगा, प्रभाव आप पर पड़ेगा थोड़ा सा, और अच्छा, कोई गलत नहीं, अच्छा। तो आनंद लेते रहिए। और अभी आप गंगा जी किनारे आ गए हैं, हमारे उल्टे हाथ की तरफ शिवचरण वाटिका है, सामने माँ गंगा जी के दर्शन हो ही रहे हैं। और माँ गंगा जी के साथ साथ चलने का आनंद लीजिए उनके श्री चरणों में। जय माँ गंगा जी, जय हो स्वामी महेशानंद जी की। ये महेशानंद जी का आश्रम हल्का सा दिखाई दिया पिंक, और सामने जो आश्रम दिखाई दे रहा है वो है स्वामी राम तीर्थ आश्रम। और उस वहाँ पर काफ़ी कुछ नया बनाया गया है, नया निर्माण किया गया है आश्रम में, और नवरात्रों में वहाँ पूजा होने वाली है, अनुष्ठान होने वाला है। तो लकड़ी का बांस का बहुत सुंदर एक आकृति बनाई गई है, एक हवन मंडप टाइप का बनाया गया है, बहुत सुंदर है। चलिए देखते हैं चलकर। हर हर गंगे मैया, हर हर महादेव। कुछ करना ले। और शीघ्र ही माँ की कृपा से उनके चरणों में मैं पहुँचूँ, ऐसी आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी करता हूँ, मैं तो दिन रात करता ही हूँ। ये देख रहे हैं आप, आपको पता ही है मेरे साथ और मेरी देवी जी के साथ हम कहीं भी जाते हैं तो सिक्योरिटी के रूप में 2, 3, 4, कभी 5 कुत्ते भी साथ चलते हैं। फिलहाल 2 आपने देखे जो श्रीमती जी के साथ चल रहे हैं, और उनकी तरफ से, उनकी ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनका अभी अनुभव नहीं है, पहली बार वीडियो बना रही हैं वो भी मेरे कहने से, तो जैसा है थोड़ा सा कैमरा भी हिलेगा, कभी धुंधला भी हो जाता है, तो क्षमा कीजिएगा। बस आनंद लीजिए माँ गंगा जी के श्री चरणों में चलते रहने का, और ये सुंदर दृश्य प्राप्त करने का। देखिए कितना सुंदर बांस से बनाया गया है ये, और बहुत सुंदर घाट भी बन गया है यहाँ पर गंगा जी के किनारे। ये देखिए घाट की सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, और ये मंडप है अति सुंदर। वाह, शंभु कैलाशपति। शीघ्र ही आपको दूसरी वीडियो प्राप्त होगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या बदलाव आया है मेरे जीवन में, और जिससे आपको भी फर्क पड़ेगा, बहुत सुंदर है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय जय मेरी गंगा मैया जी। 1.5 महीना हो गया मित्रों दिल्ली में, परंतु माँ और बाबा, मैं पहले से ही कहता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ तब भी मैंने कहा कि जो माँ बाबा करते हैं अच्छा ही करते हैं, मेरे बहुत सारे काम अच्छे हुए। मित्रों मेट्रो का यह दृश्य भी दिन में दिखाई नहीं देता है, इतनी खाली मेट्रो,
महादेव। सुबह 6:15 बजे मेट्रो खाली, ऐसा दृश्य देखने को कम ही मिलता है। अगला स्टेशन शंभो, कैलाश पति।